अगर हमारे हिंदू भाइयों में ब्राह्मण होंगे तो वो पवित्र वेदात को पढ़ेंगे, और अगर कोई शूद्र होगा, क्षेत्रीय हो गया, वैश्य होगा, अगर कोई क्षेत्रीय है तो वो खिदमत करेगा, और अगर कोई शूद्र है तो आदिवासी बनकर रहेगा। वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता, ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं विघादवीच्यं तथेच च स एक एवा त्रिपति परजानां कथं पुनर्जातिकीर्ता परभेदः। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहाँ पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फजल लियारबीन अलल अजमी, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज करने वालों, एतराज करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की ज़िंदगी का मुताला करो, वहाँ पर तुम्हारी ग्रंथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर नज़र आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कालात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है, इक्वल और पल्सन आर इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन ख़ानदान की एक औरत, फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती, आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ अयदीहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो ख़ानदान वाले, कबीले कुरैश के उस ख़ानदान के लोग पहुँचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी, इसलिए जाओ उसामा बिन जैद को भेजो सिफारिश करने के लिए। नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ़ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन जैद पहुँचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अली सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन जैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुंचे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर? तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहाँ से, मैं फैसला करूँगा। बिलाखिर उस औरत का हाथ काट दिया जाता है, और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्ते जिकर, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता, इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर UAPA डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह कमजोर है, और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। आओ इस्लाम के निजाम को देखो, मसावात, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइड ऑफ द कुरान, ये तो तुमने बनाए, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं,
इस धरती से अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए और इस नफ़रत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर और उसी अहादीस पर एतराज़ दर एतराज़ कर रहे हो, पता नहीं है तो पढ़ करके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी उठा करके देखो, सहाबाए कराम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसको टटोलो, जुर्म क्या है, गुनाह क्या है उनका, कोई गुनाह नहीं है, नहीं जी इल्ज़ाम लगाएंगे। अरे इस्लाम के तरह अदालत, मसावात, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया, ये याद रखना होगा तुम्हें। मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला ईरान के गवर्नर बने, चूंकि हजरत साद ने ईरान को फतेह किया था, हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूं, तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडीगार्ड कायम किए, बॉडीगार्ड्स रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडीगार्ड्स को पूछेंगे तब मुझसे मिलने आएंगे। हजरत उमर फारूक को पता चलता है, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि साथ हजरत बिलाल हबशी को एक चिट्ठी लिख कर देते, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साद इब्ने अबी वक्कास को दे देना, और सबसे पहले बिलाल, कौन थे बिलाल, काले कलोटे, कोई मंत्री के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे, कोई मुखिया मिंबर का चहीता नहीं था, मुखिया जी आएंगे तो लीजिए कुर्सी। अब मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते हैं, अब मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते हैं कि अरे किनके पास बैठ गए, मौलाना के पास, मौलाना नियामत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप यारी करेंगे, लाजिम मलजूम है। अगर मौलाना खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे, मदरसे खत्म हो जाएंगे आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपके अकीदे खत्म हो जाएंगे, आपका अकीदा खत्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर मुशरिक बनकर मरोगे। यह पैगाम कुरान का, इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नज़र में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़र में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है तो उसके काम की वजह से। इसलिए बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया मैंने, कई जगह कहा शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शुद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्व विघादिवी च्यम तथे चचा सहक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जा तिकीर्ता पर भेद। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एको देव, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बट गए जी, क्यों बट गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फलां हो, फलां हो, फलां हो, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक ही सब में खड़ा होकर पढ़ेगा और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहाँ से लाओगे इस बीमारी का इलाज? नरसिंहानंद तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है, कहाँ से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो, पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया,
मैंने आज तारीख पढ़ी है, आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर, पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था, वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया, तो मुल्क शाम के अंदर वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलएस, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पाप और वो पादरी यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते, वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे, मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में ना डाल दें, अंदर ना डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पॉप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद गए इराक में, जब हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं मुल्क शाम में, यहां जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पॉप की तकद्दस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का जदो कोप था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आजादाना जिंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आजाद है, किसी पॉप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आजाद है, हर कोई पर्सनल जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमर और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा, तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहां की यहूदियत और सहूनियत तब्दील हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद हैं जो अमन परस्त हैं, मोहम्मद हैं जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसीयत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला है, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया है, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा। पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडियाओं, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है, हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे। क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है गुरु, गुरु नीचे हैं, हुक्मरान अमीर, अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे हैं। उनके इस फैल को देखकर यरूशलम के हजारों की तादाद में क्रिश्चियनों ने सर झुका दिया। सर मतलब यानी ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमने इतना बड़ा बादशाह, इतना दिल वाला बादशाह आज तक हमने नहीं देखा। हमने तो सुना था कि उमर वो है जो तलवारों से बात करते हैं, हमने तो सुना था कि उमर फारूक वो है जिन्हें देखकर दुश्मन अपना रास्ता बदल दिया करता है। इसीलिए हम आज आपको ये लीजिए चाबी, बैतुल मक़दिस की चाबी लीजिए, यरूशलम में, फलस्तीन में कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई थी। चीखने वालों की तलवारों वाला धर्म है,
पढ़ो ना कुरान, ला इकराह फिद्दीन, द ट्रूथ स्टैंड्स आउट फ्रॉम द एरर, क्लियर फ्रॉम द एरर, देयर विल बी नॉट कंपल्शन इन द रिलीजन, धर्म के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन पढ़ोगे कैसे? तुम्हें तो अपने गुरुओं को खुश करने के लिए न्यूज बनाने में बिजी रहते हो, फुर्सत मिलती ही नहीं। अपने ग्रंथों को पढ़ो, मकाम और फजीलत कैसे क्या होती है, इंसान और मानवता किसको बोलते हैं, पढ़ो ग्रंथों को, तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ा है जिसके अंदर वाकईतन इतना अच्छा मैसेज श्री राम, श्री कृष्ण जी ने इंसानों को दिया है, इसके अंदर क्या कहा। ए लोगो, मुझे संस्कृत याद नहीं हुआ है, हो जाएगा बहुत जल्दी में, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ उसको। ए लोगो, ये दुनिया उल्टी वृक्ष है, पेड़ है, यानी ये सूखने वाली पेड़ है, और ये पेड़ सूख जाएगी। आपस में जो तुम भेदभाव करते हो, ईश्वर तुम्हारे इस जुर्म अजीम को कभी माफ नहीं करेगा। कृष्ण जी कह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों, आपको भी खड़ा होना होगा अपना हक लेने के लिए। कोई दलित नहीं है आप में, आपको दलित बनाया गया, आपके वेदांत में दलित नहीं है, आप भारत के संविधान में आप दलित नहीं है, दलित है, लेकिन बराबरी का हक आपको दिया गया। नाम है सिर्फ आपका मंगल, मंगलू, लेकिन आपका मकाम और आपका हक उतना ही है जितना एक बड़े ऊंचे खानदान वाले का जितना हक हो। हक की लड़ाई कौन लड़ा? इस्लाम लड़ा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, चारों खलीफा, उनके बाद फिर जो सिस्टम शुरू होता है वहां से लड़े। एक औरत को थोटी थी, हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर कोई तलाक देगा तो लाखों करोड़ों रुपए अगर उसने मेहर में दिया अपने बीवी को तो वो वापस नहीं मिल सक, उसको वापस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बीवी को तलाक होगी, अगर 5 लाख 5 करोड़ रुपए बीवी को मेहर में दिया हुआ है तो कम से कम आधे रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुरान के खिलाफ फैसला था। तो एक औरत को इतनी हिम्मत थी, उस औरत ने अमीरुल मोमिनीन को कहा, ए उमर, अपना डिसीजन बदलो। ये थी बराबरी, ये थी जुरअत, ये इंसाफ। उस औरत ने कहा कि आप कुरान के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। एक उनकी एक राय थी रखने की कि हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महर में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए लड़के को। तो उन्होंने, औरत ने क्या कहा कि जब अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, जब अल्लाह का कुरान नस्से कती है उमर फारूक, नबी ने कोई तब्दीली नहीं की, अबू बकर ने कोई तब्दीली नहीं की, तो आप कौन होते हैं? तो उमर फारूक ने कहा कि आज मुझे इस बुढ़िया ने दीन सिखा दिया। एक औरत को हक होता था अपना, एक औरत को हिम्मत होती थी अपना हक मांगने का। किसने ये जुरात दी, किसने ये पैगाम, किसने ये हक दिए बराबरी का? इस्लाम ने दिए, इस्लाम ने ये मकाम दिया है औरतों को, उनको सम्मान देना निकाह करके। वरना अमेरिका चले जाइए आप, अमेरिका, अमेरिकन में वी आर लिविंग टुगेदर। आज अमेरिका में क्लिंटन, जो कुछ दिनों पहले सदर था अमेरिका का, उसने द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था, यानी भारत अमेरिका का जो सदर होता है वो पूरे 5 साल में एक बार आवाम को, जनता को संबोधित करता। तो संबोधित में, संबोधन में उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में, द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में ये कहा था कि अन करीब अमेरिका में हरामजादों की तादाद होगी, हरामजादे बास्टर्ड की तादाद होगी। अल्फाज बास्टर्ड के नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये इस्तेमाल किया था कि बोर्न एंड द लॉट्स ऑफ पीपल बोर्न विदाउट एनी वेडलॉक, वेडलॉक मतलब निकाह को बोलते हैं अंग्रेजी में, वेडलॉक यानी बच्चे पैदा होंगे बिना निकाह के। और यूरोप में हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, वहां पर बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं होती। आज हमारे भारत में भी वो कल्चर आ गया है, लिव इन रिलेशन। फैशन देखिए, इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर। वाह, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, बहुत प्यारा लफ्ज है। एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत जमाने से रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों, किसने औरत को मकाम दिया?
हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये, अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज करो, उसको वेट लॉक करो पहले, द फर्स्ट ऑफ विल बी वेट लॉक एंड आफ्टर दैट यू कैन, तब आप यू कैन विद हर द रिलेशनशिप कंटिन्यू आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूं, नहीं प्रूफ कर सकते इस्लाम के मुकाबले में, नहीं आ सकते कोई भी कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि हमारे फारूक थे, 23 लाख मुरब्बा मील को फतेह किया था तो जो मन में आया किया, नहीं, कुरान के खिलाफ, नबी पाक अली सलाम के फरमान, उनके तरीके के खिलाफ। उमर फारूक को भी अधिकार नहीं, इतने बड़े ताकतवर जनरल, मशरिक व मगरिब को फतेह किया, हजरत अब्बास के घर का परनाला उखाड़ कर फेंक दिया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला के घर का परनाला, चूंकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबी के करीब में तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी, तो हजरत उमर फारूक ने देखा तो हजरत अब्बास गायब थे, उनकी अदम मौजूदगी में परनाला को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद हजरत अब्बास आते, हजरत अब्बास ने कहा कि ये परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए, कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबै बिन काब रजी अल्लाह तआला ने, सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो, जस्टिस थे वो, उनके पास केस पहुँचता है। केस पहुंचने के बाद उमर फारूक भी हाजिर हुए। उमर फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आज किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ FIR कर लो तो आज तो फिर आपका टोलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए, जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है, हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं कुछ, शायद मैं पागल हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आती है, हम जो चीज़ समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है, मैं कहूँगा मर जाऊँगा ये गलत है तो गलत है, मेरे बाप भी मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूँगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है, वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, वी आर दिस वर्क इज़ नॉट सुइटेबल, ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है वहां पर, हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं, 23 लाख मुरब्बा मील को फतेह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है, आइए क्या बात। अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला, उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। तो हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, परनाला जो था हजरत अबू बकर के ज़माने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया, अब बताइए तकलीफ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। संजू भट्ट ने क्या केस किया बेचारा, गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है, अमीर हो के कोई हो उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा वक्त हो चुका है, बस सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा मैं। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, मुझे इंसाफ, आई वांट टू जस्टिस, आई वांट टू इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए।
मुझे नहीं कुछ चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन है कि नहीं है, मुझे इनसे डर नहीं लगता कि नहीं अमीरुल मोमिनीन है तो मुझे कत्ल कर देंगे नहीं। लेकिन वह अमीरुल मोमिनीन थे, वो भी खड़े होकर सवालों का जवाब देते हैं। इतने में फिर हजरत अब्बास बोलने लगे, जज साहब एक बात और बोलो, वो जो परनाला लगा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मशवरे से लगा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निशान देकर खुद खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और मुझे कहा कि चचा आप मेरे कंधे पर आकर के इस परनाले को लगाइए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ। हजरत अब्बास से चीफ जस्टिस ने कहा कि एनी आई विटनेस, कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो फौरन गए अंसार को लेकर आए तो दो तीन साहबी ने कहा कि हाँ अल्लाह के चीफ जस्टिस जज साहब, इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है। तो हजरत इतना सुनना था कि उमर फारूक की आंख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा अब्बास मुझे मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, आओ जैसे मोहम्मद ने लगवाया था मैं आज तुम्हारे परनाले को वैसे ही लगवाता हूँ। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील को फतेह करने वाला, जिनका नाम सुनकर कैसर किसरा के हम महल के अंदर लर्जा तारी हो जाया करता था, वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा होता है, हजरत अब्बास को खड़े करते अपने कंधे पर और परनाले को सेट करते हैं, उस पाइप को लगाते जिससे पानी नीचे निकलता है। ये अमल देखकर हजरत अब्बास ने उनकी इस हरकत को देखकर, उनकी इन अदल को देखकर, उनकी इस इंसाफ को देखकर हजरत अब्बास ने उस घर के मस्जिद नबी के अंदर दे दिया। है कोई हुक्मरान ऐसा बताओ आज की तारीख में तकरीबन 5000 ऐसे MPs MLAs हैं, 500 पिछले जब से आजाद हुआ है भारत तब से लेकर आज तक, जिन पर रेप के केसेस हैं, जिन पर चोरी के केसेस हैं, डाके डालने के केसेस हैं, है कोई माए कलाल जो उन पर केस चलाए और उनके ऊपर ट्रायल शुरू करे? नहीं चला पाओगे। क्यों? तुम्हारे पास ऐसा कोई निजाम ही नहीं है। अगर ऐसा कोई निजाम है कहीं पर तो वो इस्लाम के अंदर है। बराबरी का निजाम अगर कहीं पर है, मसावात का कोई निजाम अगर कहीं पर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत, अल्लाह की भेजी हुई कुरान के अंदर है। और साफ लफ्जों में कहा है इंसाफ करो, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, जिनका जो हक है पूरा करो। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास, जब तुम फैसले करो लोगों के बीच में, यानी कहा कि मुसलमानों के बीच में, बैनन्नास ह्यूमन बीइंग्स, when you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar, झूठेपन की वजह से नहीं, सच्ची बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए। मेरे भाइयों, आपके इस जलसे में, आपके इस प्रोग्राम में मुझे आकर बहुत खुशी हुई। आपके मेहमान मुकर्रर शेख मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका बचपन से फ़ैन रहा हूँ, हम पढ़ने के ज़माने से भी उनकी तकरीरें सुना करते थे। तो बहरकैफ आपके इस गांव में जलवा फरोज़ हैं, अभी कुछ देर के बाद उनका भी प्रोग्राम होगा और हमारी और इनकी अभी तक की कुछ जगहों के ऊपर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है, वरना हम लोगों का प्रोग्राम मैच नहीं होता। ये इसी प्रोग्राम में 3 मरतबा तारीखें बदली गई मैचिंग के लिए, तब जाकर हुआ। वो अपने अलग फील्ड में जाते हैं, हम अपने अलग फील्ड में जाते हैं, लेकिन आज का जो पैगाम है ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए पैगाम, इंसाफ और अदल किसी कानून, किसी जाब्ते में, किसी धार्मिक ग्रंथ में है तो वो कुरान में और सुन्नत में है। यही कुरान और सुन्नत का पैगाम है। इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम जाना चाहिए। ये यूट्यूबर हमारे जितने भी हैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप इन पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हमारे इस्लाम में अदल और इंसाफ था और अभी अगर कोई कमी है तो उसको हम दूर करेंगे और इसी अदल इंसाफ के ज़रिए से दुनिया के अंदर अमन और शांति, और पूरी दुनिया का धर्म अगर कोई होगा तो इस्लाम होगा, इसी अदल इंसाफ के ज़रिए से होगा। वरना जुल्म ज़्यादती, जब नाइंसाफ़ी बढ़ती है तो जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है, बल्कि सरकारें गिर जाती है जुल्म ज़्यादती करके। अभी तो करप्ट लोग बैठे हुए हैं दुनिया की गद्दियों में, सिर्फ भारत में नहीं अक्सर जगहों के ऊपर, इनको
अल्लाह तबारक व ताला दिखाएगा अपनी राजनीति की गद्दी चमकाने के लिए, ये भूमिया, ये मनियार, ये चमार, ये चौदस, ये तेली, ये वो, ये फला, ये ढिमाका। नहीं मेरे हिंदू भाइयों, एक इंसान हो आप, एक मनुष्य हो, जो बोलता है उनको कहो मनुस्मृति लाकर दिखाओ मुझे। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्रांड मुखा, मलेच्छ हैं हम। मलेच्छ मतलब इन समलेच्छ का मतलब नापाक कह दिया गया, हालांकि नापाक नहीं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराने इंसान, पुराने मानव। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्रांड मुखा, बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, रखेंगे लोगों के सामने में बात है जहां तक हो सकेगी, जब तक जान है, जब तक ताकत है, जब तक खून का आखिरी खतरा बदन में रहेगा, तो हम हिंदू भाइयों की भी हकीकत उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि आप भी ईश्वर के एक बंदे हैं, आपको भटका दिया गया, बहका दिया गया। आवागमन का अकीदा नहीं है वेदांत में, गाय मांस का झगड़ा नहीं है वेदांत में, सात जन्मों का अकीदा नहीं है वेदांत में, उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने वाले जानते हैं, बोलते नहीं क्यों, दबा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को अदल इंसाफ से काम करने की और अमन और